सहारा है, बाबा एक सहारा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं कच्ची कांवरिया पथ के उधाड़ी रास्ते में, जहां के कुछ कांवरिया भी हमारे साथ हैं और हम उनसे जो है बातचीत करते हुए इस यात्रा को तय करेंगे। हमारे बीच कांवरिया है जो बता रहे हैं कि कच्ची कांवरिया पथ का रास्ता करीब 15 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वे कैसा अनुभव कर रहे हैं, बाबा के प्रति किस तरह का आस्था है और उनका जो है भक्ति सर चढ़कर बोल रहा है। बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं, 15 किलोमीटर आगे चले हैं, किस तरह का उत्साह है, चलते रहिए। बाबा के साथ, बाबा के पास जाने का एकदम विल पावर है हमारे पास। बाबा जल्द बुला रहे हैं, बाबा बुला रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हाँ बोल बा, बोल बाबा। आप बताइए कि किस तरह का, मतलब 15 किलोमीटर आगे निकले हैं। 15 किलोमीटर आगे चले, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है, मुझे एक नई ताजगी मिल रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके बारे में विचार बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे, फिर आपको खुद ही चलिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आप बताइए बम, बोल बम। हाँ बताइए, क्या बताऊँ, किस तरह का बाबा को, बाबा कितना मजा लेते हुए जा रहे हैं, मगन होके जा रहे हैं, बहुत खुशी मिल रही है। हाँ हाँ बम, मैं बोल बम 2004 से मैं बाबा के निकले जा रहा हूँ। हाँ अभी पर जाऊँगा, मेरा बच्चा अभी निकला है, अनुज कुमार जफेरा। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ, वार्ड नंबर 55 दारासू का रहने वाला हूँ। मैं तामा के कारीगर हूँ। मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बाबा हर साल हम देख रहे हैं कि कांवरिया लगातार जो है यहाँ, मतलब काफ़ी उमंग के साथ जो है काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बीच और भी कांवरिया हैं, बताइए। लोग रीवा से आए हैं, वहाँ सब सारा कंवरिया है। अच्छा, कुछ आगे हैं, कुछ पीछे लोगों का जुटा है हमारा। किस तरह का इस बार उत्साह है आप लोगों में? अच्छा उत्साह है, ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। आप बताइए, तो ये कांवरियों का उत्साह है जो बाबा के प्रति बोल बम के नगारे के साथ जो है उत्साह इस कांवरिया पथ पर साफ देखा जा सकता है। श्वेतांबर कुमार झा, कांवरिया पथ, सुल्तानगंज।